हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट स्टूडियो में हमने पढ़ा है ओप्स के बारे में कि ओप्स क्या है, और हमने पढ़ा है उसके बाद क्लास मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके, ये टॉपिक्स खत्म होने के बाद हमारे पास आता है मेन पिलर्स जो हैं ओप्स के, वो ओके पिलर्स ऑफ ओप्स, वो है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसमें हम सबसे पहले करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो अब स्टार्ट करते टॉपिक। हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म्स हो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म के हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज मीन्स फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ओके, मॉर्फिज का मतलब क्या आता है, फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म्स हो। ओके, सो इट मीन्स मैनी फॉर्म्स, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी ज्यादा फॉर्म्स हो। इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम कोई भी एक टास्क अलग अलग वे से करें उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक पर्सन, जैसे कोई भी इंसान है वो क्या करता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म ही है। ओके, जैसे कोई भी मैं एक्स वाई जेड एक बंदा लेता हूँ जिसका नाम एक्स वाई जेड है, वो क्या है, एक फादर भी हो सकता है, वो एक हस्बैंड भी हो सकता है, वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो एक टीचर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है। ओके, काम कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो कौन है, एक्स वाई जेड। लेकिन उसकी फॉर्म्स क्या क्या है, वो बेटा भी है किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, किसी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। ओके, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो द सेम पर्सन प्रोसेस डिफरेंट बिहेवियर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसमें क्या करेगा, जैसे मैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, जो एक्स वाई जेड है वो फादर है, तो वो एक फादर के तौर पे यहाँ पे बिहेव करेगा। ओके, यहाँ पे हस्बैंड है तो हस्बैंड के तौर पे बिहेव करेगा। ओके, उसके ये तो क्या है, उसके बिहेवियर्स, और सिचुएशन क्या है, उसकी कंडीशन। ओके, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इन जावा वी यूज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। जावा है, जावा के अंदर हम कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करेंगे, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मैंने आपको जब मेथड्स का टॉपिक कराया था तब आपको मेथड ओवरलोडिंग कराया था। ओके, सो मैं एक बार अभी भी करा दूंगा कि मेथड ओवरलोडिंग है क्या, मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, एक दो प्रोग्राम से भी करके देखेंगे। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग हम तब करेंगे जब हम इनहेरिटेंस करेंगे। ओके, इनहेरिटेंस के टाइम हम करेंगे मेथड ओवरराइडिंग, वहीं पे मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। क्योंकि जब हम इनहेरिटेंस करेंगे उसमें क्या है, अलग अलग क्लासेस को हम वहां पे क्रिएट करेंगे और उसमें हम मेथड ओवरराइडिंग का यूज करेंगे। ओके, ये टॉपिक मैं आपको तब कराऊंगा, अभी मैं कराता हूँ मेथड ओवरलोडिंग। ओके, सो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मैं क्या करता हूँ, पहले पॉलीमॉर्फिज्म का बताता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में हमारे पास क्या क्या दो टाइप्स होती है पॉलीमॉर्फिज्म की। पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, और सेकंड हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, जब हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, अगर कोई एरर आ रहा है मेरे पास तो वो कंपाइलेशन के टाइम ही मेरे पास वो एरर बता देगा। ओके, जब मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा, मेरे पास कोई मेथड के अंदर एरर आ रहा है तो वो कंपाइलेशन के टाइम मेरे को बता देगा। लेकिन अगर मैं वहां पर यूज कर रहा हूँ मेथड ओवरराइडिंग, तो वो क्या करेगा, रन टाइम पे मुझे एरर बताएगा, जब मैं रन करूंगा उस कोड को तब मेरे पास एरर बताएगा। इस चीज से हम बचने के लिए मैं क्या सजेशन दूंगा, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इन्वेंट कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप जितना कोशिश हो उसके आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करो। क्योंकि बाय चांस अगर आपका कोई एप्लीकेशन आपने बनाया उसमें कोई भी एरर आ जाता है, तो आप क्या है, अगर आप कोड लिख रहे हो तो कंपाइल टाइम में आप जल्दी से जल्दी उसको एरर को फाइंड करके सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च कर दिया है, और लॉन्च करने के बाद क्या है, उस टाइम पे जब यूजर के पास गया है वो एप्लीकेशन, उसके बाद हमारे पास कोई एरर आ रहा है, तो हमें क्या हो सकता है, उस चीज का हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे उस एप्लीकेशन को बहुत सारे यूजर्स रन कर रहे होंगे, अगर उस टाइम एरर आएगा तो हमें दिक्कत होगी। ओके, सो हम फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड ओवरलोडिंग को, जो कि है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक दो प्रोग्राम मैं आपको इसके कराऊंगा। ओके, सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, द पॉलीमॉर्फिज्म विच इज इंप्लीमेंटेड एट द कंपाइल टाइम इज नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हमारा कोड कंपाइल टाइम पे एरर बताएगा उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और इसका एक एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। ये टॉपिक प्लेसमेंट में, अगर आप जा रहे हो प्लेसमेंट के लिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, इनमें श्योरली आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा कि मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग क्या है और इनके डिफरेंस क्या क्या है। ओके, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स देन दीज फंक्शंस आर सेड टू बी ओवरलोडेड। इसका मतलब क्या है, जब मैं मेथड्स कर रहा था मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक सेम नाम का एक मेथड ले लेता हूँ ओके और उसमें अलग अलग पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंजेस इन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और ए चेंज इन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मेथड ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक विच अलाउज यू टू हैव मोर देन वन फंक्शंस विद द सेम फंक्शंस नेम विद द डिफरेंस फंक्शनैलिटी। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है ओके इसमें क्या कर रखा है, मेरे पास मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक क्लास ले ली, क्लास लेके मैंने क्या किया, स्टैटिक इंट एड के नाम से मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया ओके। मेथड बनाने के बाद मैंने क्या किया, इंट ए मैंने यहाँ पर पास किया, इंट बी मैंने यहाँ पर पास किया और उसका मैंने रिटर्न ले लिया ए प्लस बी, मैंने रिटर्न लिया। देन मैंने क्या किया, अगेन स्टैटिक इंट एड नाम से एक और फंक्शन बना लिया, मेथड मैंने एक और बना लिया और उसमें मैंने क्या किया, तीन पैरामीटर्स पास करा दिए। फर्स्ट मैंने पास कराया इंट ए, इंट बी एंड इंट सी, ये मैंने तीन पैरामीटर्स पास करा दिए और उनको मैंने क्या किया, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी मैंने यहाँ पे आउटपुट ले लिया और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों का यहाँ पे आउटपुट ले लूंगा, इनको प्रिंट करा दूंगा ओके। सो ये हमारे पास है मेथड ओवरलोडिंग। इसमें क्या किया है, सेम नेम है लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। इसमें मैंने दो पैरामीटर्स ले रखे, इसमें मैंने तीन पैरामीटर्स ले रखे हैं। आप इनको और भी वे से कर सकते हो, मैं एक दो एग्जांपल्स लेके बताता हूँ और आपको इनके फिर कंडीशंस बताता हूँ कि इनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए ओके। मैं एक क्लिप को ओपन करता हूँ, मैं एक बार इनको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, मेथड ओवरलोडिंग डेमो के नाम से मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। एक क्लास मैंने यहाँ पे भी क्रिएट कर रखी है, जब मैं मेथड्स पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि हम इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ओके। ऐसा ही एक प्रोग्राम आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ ओके। सो मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मेथड्स। मेथड्स में क्या क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ स्टैटिक, मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप भी ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंट में रिटर्न टाइप और नाम दे देता हूँ मैं इसमें, मैं सम के नाम से यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कराता हूँ ओके। मैं कुछ भी पास नहीं कराता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, इंट ए नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसको वैल्यू दे दी मैंने 20, इंट बी नाम से एक वेरिएबल ले लिया उसको वैल्यू दे दी 30 ओके। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इंट सी नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैं क्या करूंगा ए प्लस बी कर देता हूँ ओके। ए प्लस बी किया और रिटर्न कर दूंगा मैं सी को, रिटर्न सी ओके। मैंने यहाँ और मैंने यहाँ पे सी को रिटर्न कर दिया ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले क्रिएट करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। अभी मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, स्टैटिक। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लेता तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता, तो अभी नीड नहीं है। वैसे आप कर रहे हो तो अच्छी बात है कि आपको आपको प्रैक्टिस होगी ओके। बाकी मुझे नीड नहीं है, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसको कॉल कराता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंट एक डी नाम से वेरिएबल लिया और उसमें मैं क्या करता हूँ, सम को कॉल करा देता हूँ, जो मेरा सम नाम का मेथड है उसको मैं कॉल करा देता हूँ। कॉल कराने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा डी को ओके। डी को प्रिंट कराता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, सो मेरी वैल्यू आ गई 50 ओके। इसने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे स्टेटिक इंट सम के नाम से इसने एक मेथड क्रिएट किया और इंट इसने रिटर्न टाइप दे दिया ओके। रिटर्न टाइप देने के बाद इसने क्या किया, दो वेरिएबल्स लिए यहाँ पर और उनको प्लस करके रिटर्न कर दिया सी को। सी को यहाँ पे रिटर्न किया, ये किस में आ गया, सम के अंदर। सम जैसे ही मैंने कॉल कराया, जो सी की वैल्यू थी वो किस में असाइन हो गई, डी में, और डी को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये मेरे पास एक नॉर्मल यहाँ पे क्लास है, उसके अंदर एक मेथड बना दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टेटिक इंट सम नाम से एक और मेथड बना लेता हूँ, मैं मेथड बनाता हूँ और उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास कर देता हूँ, इंट ए और इंट बी ओके। ये दो मैंने पैरामीटर्स पास किए और मैं क्या करूंगा, लास्ट में रिजल्ट इंट रिजल्ट बना लेता हूँ ओके। इंट रिजल्ट बनाया और उसको मैं क्या करूंगा, वैल्यू दे दूंगा ए प्लस बी, ए प्लस बी दिया और मैं लास्ट में क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न रिजल्ट ओके। मैंने रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मैं इस जो मेन मेथड है उसके अंदर आता हूँ। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा,
डायरेक्ट इस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, मैं किसी वैल्यू में इसको असाइन नहीं करा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ मेरा सम नाम का एक मेथड, और उसके अंदर मैं कोई भी अगर वैल्यू नहीं देता हूँ तो मेरा कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला मेथड, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इसमें दो वैल्यूज पास करा देता हूँ, मैं 55 एंड यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 62, ये मैंने दो वैल्यूज यहाँ पे पास करा दी। सो अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, सो मेरी ये वैल्यू आ गई है 117। ओके, इसने क्या किया है, जब मैंने सम नाम का यहाँ पे मेथड कॉल किया, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं कराई, सो इसने क्या किया, इस मेथड को कॉल कराया। तो जब मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज दे दी, सो इसने क्या किया, यहाँ पर जो ये मेरा मेथड था जिसके अंदर दो पैरामीटर्स थे उसको कॉल कराया। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार और कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ओके, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक इंट वैल्यू और दे देता हूँ, इंट सी नाम से एक वेरिएबल दे दिया। ओके, मैंने एक पैरामीटर और दे दिया, मैं इसको फिर से यहाँ पे प्लस करके सी और दे देता हूँ यहाँ पर, और मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ सम नाम का मेरा मेथड, और उसके अंदर मैं वैल्यूज दे देता हूँ, यहाँ पे 22 दे दी मैंने, कोई भी रैंडम वैल्यूज दे रहा हूँ मैं। ओके, ये मैंने तीन यहाँ पे रैंडम वैल्यूज दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट नहीं लगाना मुझे। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो थर्ड वैल्यू वो भी आ चुकी है। सो अब ये जो मेरा प्रोग्राम है वो हो चुका है कम्प्लीट। अब इसमें जो कंडीशन है वो है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंट ले रखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो हमारे पास अगर सेम नेम है मेथड का, हमारे पास सेम नेम है, इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इसमें क्या है, हमारे पास क्या, तो या तो पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे डिफरेंट हो हमारे पास, या फिर क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे रिटर्न टाइप ले रहे हैं हम, ये डिफरेंट होना चाहिए। ओके, सो हमारा जो मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हो चुका है कम्प्लीट। आप एक दो क्वेश्चन इसके करके देखिए। ओके, और जो मेथड ओवरराइडिंग है, जो पॉलीमॉर्फिज्म का सेकेंड पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे इनहेरिटेंस। ओके, सो आई होप मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको मेथड जब कर रहे थे तब भी आपको ये मेथड ओवरलोडिंग करा दिया था, और अब भी करा दिया है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करके देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट में बताओ। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।